वेलकम दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए गल्फ़ का और यूरोप का बहुत सारी न्यू वैकेंसी है। तो आपको इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए आप डायरेक्ट ऑफिस में विजिट कर सकते हैं या उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना सीवी सेंड कर सकते हैं। डायरेक्ट अप्लाई करना है, कोई एजेंट के थ्रू लिंक नहीं है। अगर आपको डायरेक्ट अप्लाई में कोई परेशानी होती है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट करें, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, जिससे आगे आने वाले वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें जो आपके दोस्त जॉब सर्च कर रहे हैं। तो वीडियो में आखिर तक बने रहे, बगैर स्किप किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो वैकेंसी है कतर के लिए है, एशिया पावर ओवरसीज ऑफिस से लॉन्ग टर्म जॉब है। इसमें जो वैकेंसी है, वेल्डिंग सुपरवाइज़र चाहिए क्वालिफिकेशन डिप्लोमा के साथ। सुपरवाइज़र की रिक्वायरमेंट है जो सन ब्लास्टिंग और पेंटिंग के लिए चाहिए। फैब्रिकेशन चार्ज हैंड चाहिए स्टील प्लेट और स्ट्रक्चर के लिए। फिटर चाहिए लेवल वन और टू के लिए, जो प्लेट और स्ट्रक्चर स्टील के लिए। कोडेड वेल्डर की रिक्वायरमेंट है SMAW+MMA 3G और 4G में। वेल्डिंग चार्ज हैंड फिटर असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट है प्लेट और स्ट्रक्चरल स्टील के लिए। चार्ज हैंड चाहिए ब्लास्टिंग और पेंटिंग के लिए। इंडस्ट्रियल स्प्रे पेंटर और ब्लास्टर मैकेनिस्ट टर्नर एक इलेक्ट्रिकल रिपेयर टेक्नीशियन AC और DC मोटर के लिए। इन सभी वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए आपके पास कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपका एज लिमिट जो है 45 के अंदर होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आप एशिया पावर के वेबसाइट पर जा कर के ऑनलाइन आप अपना सब CV सबमिट कर सकते हैं, या ऑफिस विजिट करना चाहे तो आप ऑफिस विजिट करें। नेक्स्ट वैकेंसी है यूनाइटेड अरब इमीरात के लिए, इसका इंटरव्यू चल रहा है, 4 महीने के लिए जॉब है, शटडाउन जॉब है। इसमें जो वैकेंसी है, लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेटर स्टोर कीपर चाहिए, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन टाइम कीपर, ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट टेलीहेंडर चेरी और ट्रैक्टर ड्राइवर की। इनके पास यूनाइटेड अरब का लाइसेंस होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट फिटर चाहिए, इंग्लिश बोलने आना चाहिए। फैब्रिकेशन फोरमैन स्ट्रक्चरल फैब्रिकेटर। लॉन्ग टर्म जॉब है इसी ऑफिस से, लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए इनको फायर अलार्म फायर फाइटिंग टेक्नीशियन CCTV टेक्नीशियन बिल्डिंग इलेक्ट्रीशियन लो वोल्टेज के लिए, सन ब्लास्टर मरीन के लिए, स्प्रे पेंटर मरीन के लिए, लिक सीलिंग टेक्नीशियन QA QC सुपरवाइजर इंस्पेक्टर चाहिए पाइपिंग और वेल्डिंग के लिए, स्ट्रक्चर फिटर मरीन और CPRD का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ब्रेजर चाहिए HBSE में। ये सभी रिक्वायरमेंट इंटरनेशनल ओवरसीज सर्विस ऑफिस से है यूनाइटेड अरब इमीरात के लिए, शॉर्ट टर्म 4 महीने के लिए और लॉन्ग टर्म जॉब के लिए। नेक्स्ट वैकेंसी कतर के लिए है मिड गल्फ कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए, गैलेक्सी इंटरप्राइजेज ऑफिस से। इसका CV सिलेक्शन चल रहा है। इसमें जो वैकेंसी है पाइप फैब्रिकेटर, सैलरी आपको मिलेगा 1500 कतरी रियाल प्लस खाना। पाइप फिटर सैलरी 1300 कतरी रियाल प्लस खाना। स्ट्रक्चरल फैब्रिकेटर सैलरी 1500 प्लस खाना। HB केबल जॉइंटर सैलरी रहेगा 2500 2500 प्लस 500 प्लस खाना। HB केबल जॉइंटर के पास करामा का लाइसेंस होना चाहिए और कतर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इन सभी जॉब के अप्लाई करने के लिए कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं गैलेक्सी इंटरप्राइजेस ऑफिस से। नेक्स्ट वैकेंसी सुपर ट्रेवल सर्विस ऑफिस से, फ्री रिक्वायरमेंट है ओमान के लिए। ये मेडिकल फील्ड से रिक्वायरमेंट है, डॉक्टरी फील्ड से। अगर आप डॉक्टरी फील्ड से है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं सुपर ट्रेवल सर्विस से, फ्री रिक्वायरमेंट है ओमान के लिए। नेक्स्ट वैकेंसी है SS ट्रेवल सर्विस ऑफिस से, बेल्जियम सऊदी अरब और कुवैत के लिए रिक्वायरमेंट है। बेल्जियम के लिए जो इनकी वैकेंसी है, ट्रक मैकेनिक ट्रक ड्राइवर इलेक्ट्रीशियन टेलर वेल्डर। और सऊदी अरब के लिए जो रिक्वायरमेंट है, हाइड्रोलिक मैकेनिक डेंटर इंजन मैकेनिक स्प्रे पेंटर जनरल लेबर वेल्डर ट्रक मैकेनिक जनरल मैकेनिक इंजन मैकेनिक। और कुवैत के लिए जो वैकेंसी है, फ्लोरिस्ट वेल्डर वुड कारपेंटर वुड पेंटर पाइप फिटर इलेक्ट्रीशियन। इन सभी को अप्लाई करने के लिए आप SS ट्रेवल सर्विस में आप अपना CV मेल कर सकते हैं।
ये सऊदी अरब, कुवैत और नीदरलैंड बेल्जियम के लिए रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट वैकेंसी एक्सपो यूनिवर्स ऑफिस से रिक्वायरमेंट है। इसका फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू होगा 22 सितंबर को मुंबई में, बड़ोदरा में 27 सितंबर को होगा और चेन्नई में 4 अक्टूबर को होगा। फ्री रिक्वायरमेंट है दुसान कतर के लिए, शट डाउन जॉब है। इसमें जो वैकेंसी है मैकेनिकल फिटर की रिक्वायरमेंट है एक्सपो यूनिवर्स सर्विस ऑफिस से। इनको अप्लाई करने के लिए आपको ऑयल एंड गैस फील्ड का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी ओमान के लिए है साद इंटरप्राइजेज ऑफिस से। इसका इंटरव्यू 21, 22 और 23 सितंबर को होगा, अलग अलग डिपार्टमेंट का। 21 तारीख को जो डिपार्टमेंट है स्ट्रक्चर फैब्रिकेटर, फिटर, इलेक्ट्रोस, 6G टिग एंड आर्क वेल्डर, CNC ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट है 21 तारीख के इंटरव्यू में। 22 को जो इंटरव्यू होगा उसमें वैकेंसी है हेवी डीजल मैकेनिक, ऑटो AC टेक्नीशियन, हेवी इक्विपमेंट मैकेनिक, स्प्रे पेंटर, लाइट व्हीकल मैकेनिक, डेंटर। 23 तारीख को इंटरव्यू में इनको चाहिए हाइड्रो टेस्ट टेक्नीशियन, संड ब्लास्टर, ओवरहेड लाइनमैन, पाइप फिटर, ग्रैंडर, पाइप फैब्रिकेटर, रिगर। ये रिक्वायरमेंट ओमान के लिए है साद इंटरप्राइजेज ऑफिस से। नेक्स्ट वैकेंसी यूनाइटेड अरब इमारत के लिए है। इसका क्लाइंट इंटरव्यू 22 सितंबर को होगा अनुपटेक ऑफिस में। HR ग्लोबल कंसल्टेंसी ऑफिस से रिक्वायरमेंट है। इसका 15 दिन के अंदर आपका फ्लाइट हो जाएगा। इसमें जो वैकेंसी है डीजल मैकेनिक, पेट्रोल मैकेनिक, 3G 4G मिग वेल्डर, ऑटो इलेक्ट्रिशियन, कार स्प्रे पेंटर, ऑटो फिनिशर, फोरक्लिफ्ट ऑपरेटर यूनाइटेड अरब लाइसेंस के साथ, लेजर मशीन ऑपरेटर ट्रंप में, प्रेस ब्रेक ऑपरेटर, अपलोस्टरर। ये सभी रिक्वायरमेंट यूनाइटेड अरब इमारत के लिए HR ग्लोबल कंसल्टेंसी से, जिसका इंटरव्यू 22 सितंबर को होगा। नेक्स्ट वैकेंसी कतर के लिए है क्यूकॉन कंपनी के लिए, शट डाउन जॉब है। इसका फाइनल शॉर्ट लिस्टिंग 20 और 21 सितंबर को होगा और इसका इंटरव्यू 24 सितंबर को होगा अनुपटेक में। इसमें जो वैकेंसी है वो है फोरमैन चाहिए, फोरमैन और चार्ज हैंड चाहिए मैकेनिक में, फोरमैन और चार्ज हैंड रिगिंग के लिए, फोरमैन चार्ज हैंड स्काफ होल्डिंग के लिए, फोरमैन चार्ज हैंड वेल्डिंग के लिए, फोरमैन और चार्ज हैंड पाइपिंग के लिए, लीड वर्कर चाहिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंट में, मैकेनिकल टेक्नीशियन चाहिए स्टैटिक के लिए, पाइप फैब्रिकेटर, पाइप फिटर, जनरल फिटर, कॉलम ट्रे फिटर, रिगर थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट के साथ, स्काफ होल्डर, असिस्टेंट मैकेनिकल फिटर, बैक्समैन, हाइड्रोजेटर, टिग एंड आर्क वेल्डर 6G CS और SS में, फ्लंज टेक्नीशियन, टॉर्क बोल्टिंग, फायर वॉच, होल वॉच, परमिट होल्डर और कंट्रोलर मैकेनिकल E&I में, बंडल पुलर ऑपरेटर, PTW क्लर्क, टेक्नीशियन क्लर्क, टाइम कीपर, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, इंस्ट्रूमेंट फिटर, इलेक्ट्रिकल फिटर। ये सभी रिक्वायरमेंट क्यूकॉन कंपनी के लिए JM मेहता से है। और नेक्स्ट जो है वो भी क्यूकॉन कंपनी के लिए JM मेहता से, जिसका शॉर्ट लिस्टिंग 20 और 21 को ऑफिस में हो रहा है। इसका क्लाइंट इंटरव्यू 24 सितंबर को होगा। इसमें जो वैकेंसी है सुपरिटेंडेंट चाहिए स्टेटिंग पाइपिंग रिगिंग के लिए, जॉब प्लानर, ट्रैकर, एरिया कोऑर्डिनेटर मैकेनिकल में, सुपरवाइजर चाहिए पाइपिंग और वेल्डिंग के लिए, मैकेनिकल सुपरवाइजर स्टैटिक के लिए, मैकेनिकल सुपरवाइजर PTW में, स्काफ होल्डिंग के लिए चाहिए इंस्पेक्टर, सुपरवाइजर, फोरमैन और चार्ज हैंड, सुपरवाइजर चाहिए इलेक्ट्रिकल के लिए, इंस्ट्रूमेशन के लिए और मेंटेनेंस के लिए, हाइड्रोजेटिंग के लिए चाहिए सुपरवाइजर और फोरमैन, QC इंस्पेक्टर में चाहिए मैकेनिकल इक्विपमेंट के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए, इंस्ट्रूमेंट और वेल्डिंग के लिए, QC इंजीनियर चाहिए मैकेनिकल इक्विपमेंट के लिए और सेफ्टी ऑफिसर चाहिए निम्बूस क्वालिफिकेशन के साथ, लॉजिस्टिक मटेरियल कंट्रोलर, मेल नर्स, फ्लंज मैनेजमेंट कोऑर्डिनेटर। ये सभी रिक्वायरमेंट JM मेहता ऑफिस से है क्यूकॉन कंपनी के लिए। नेक्स्ट वैकेंसी दुबई के लिए है AM ओवरसीज ऑफिस से। इनका इंटरव्यू 20 सितंबर और 21 सितंबर को होगा। 20 सितंबर को जिस कंपनी के लिए इंटरव्यू है उसमें वैकेंसी है CNC बेंडिंग मशीन ऑपरेटर, CNC पंचिंग मशीन ऑपरेटर, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन,
फिटर चाहिए एलिवेटर मोटर के लिए, स्प्रे पेंटर, वेल्डर और हेल्पर की रिक्वायरमेंट है। इन सभी को कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और इंग्लिश बोलने लिखने आना चाहिए। जो 21 तारीख को इंटरव्यू है उसमें वैकेंसी है HVAC टेक्नीशियन, प्लम्बर मेंटेनेंस के लिए, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन मेंटेनेंस के लिए, मल्टी टेक्नीशियन MEP के लिए। इन सभी को अप्लाई करने के लिए क्वालिफिकेशन ITI या डिप्लोमा होना चाहिए, इंग्लिश में बात करने आना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये दुबई के लिए जॉब है AM ओवरसीज ऑफिस से। नेक्स्ट वैकेंसी सऊदी अरब के लिए है KPM इंटरप्राइजेस ऑफिस से। इसमें जो वैकेंसी है मैकेनिकल इंजीनियर, पाइपिंग फोरमैन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल फोरमैन, पाइप फैब्रिकेटर, टिग वेल्डर SS में, टिग आर्क वेल्डर CS के लिए, GRP लेमिनेटर, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियन, मार्बल मेसन और हेवी ड्राइवर, लाइट ड्राइवर। ड्राइवर के पास सऊदी का लाइसेंस होना चाहिए। पाइप फिटर, वेल्डिंग QC, सिविल सुपरवाइजर, सर्वेयर, ये सभी रिक्वायरमेंट को लिया आपके पास गल्फ का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। KPM इंटरप्राइजेस ऑफिस से रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट वैकेंसी कतर के लिए स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए और कतर में हॉस्पिटल के लिए और ओमान के लिए है कैटरिंग कंपनी के लिए, अंजुम ट्रेवल्स एजेंसी से ऑफिस है। कतर में स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए इनको रिक्वायरमेंट है प्रोडक्शन मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर, मेंटेनेंस टेक्नीशियन, HVAC टेक्नीशियन और हाउसकीपिंग। इनको अप्लाई करने के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन डिप्लोमा होना चाहिए, डिग्री या डिप्लोमा, और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। हॉस्पिटल फील्ड से जो रिक्वायरमेंट है कतर के लिए, स्टाफ नर्स की रिक्वायरमेंट है। सैलरी रहेगा 4,200 कतरी रियाल प्लस 300। इसको अप्लाई करने के लिए आपको कम से कम 2 साल का मेडिकल फील्ड से एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओमान के लिए रिक्वायरमेंट है कैटरिंग कंपनी के लिए, उसमें वैकेंसी है कैंप बॉस, जिसका सैलरी 240 ओमानी रियाल, साउथ इंडियन कुक, इनको सैलरी रहेगा 220 ओमानी रियाल, चपाती मेकर 130 ओमानी रियाल के साथ। इन सभी को अप्लाई करने के लिए कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सेम फील्ड से, तो अप्लाई कर सकते हैं अंजुम ट्रेवल्स एजेंसी ऑफिस में। नेक्स्ट वैकेंसी रोमानिया के लिए अम्बे कंसल्टेंसी सर्विस ऑफिस रिक्वायरमेंट है। इसका इंटरव्यू 19, 20 और 21 सितंबर को होगा। इसमें जो वैकेंसी है एल्युमिनियम PVC फैब्रिकेटर चाहिए डोर और विंडो के लिए, और इनको लार्ज से बिल्डिंग कंपनी के लिए रिक्वायरमेंट है जो रोमानिया का है। उसमें वैकेंसी है वेल्डर MIG FCAW के लिए, बॉयलर मेकर, स्टील स्ट्रक्चर फैब्रिकेटर, जिसको एक्सपीरियंस सिप बिल्डिंग शिपयार्ड का होना चाहिए, सैंड ब्लास्टर, स्प्रे पेंटर। और टेक्सटाइल कंपनी के लिए चाहिए रोमानिया में वेविंग ऑपरेटर, टेक्सटाइल फैब्रिक मशीन के लिए लूम टेक्नीशियन चाहिए टेक्सटाइल फैब्रिक मशीन के लिए। ये रिक्वायरमेंट अम्बे कंसल्टेंसी सर्विस ऑफिस से रोमानिया के लिए। नेक्स्ट वैकेंसी दुबई के लिए है जया इंटरनेशनल ऑफिस से। इसका 20 और 21 तारीख को इंटरव्यू होगा। इसमें जो वैकेंसी है स्ट्रक्चरल फैब्रिकेटर, सैलरी 1700 दरहम, स्ट्रक्चर फिटर, सैलरी 1400 दरहम, QC इंस्पेक्टर चाहिए API 653 के लिए, सैलरी नेगेटिव है, इंटरव्यू के टाइम बताया जाएगा। स्काफ होल्डर चाहिए CISRS सर्टिफिकेट के साथ, सैलरी नेगेटिव है, इनको सैलरी जो है इंटरव्यू के टाइम बताया जाएगा। ये वैकेंसी जया इंटरनेशनल ऑफिस से, इसका इंटरव्यू 20 और 21 सितंबर को होगा। क्लाइंट इंटरव्यू दुबई के लिए जॉब है। नेक्स्ट वैकेंसी सऊदी अरब के लिए है, आज 19 सितंबर को इसका इंटरव्यू है ट्रांस कंसलेंट ट्रेडर ऑफिस में। इसका वैकेंसी है अरामको अप्रूवेड आदमी, इनको रिक्वायरमेंट है। इसमें जो वैकेंसी है पाइप फैब्रिकेटर, सैलरी 1800 सऊदी रियाल, पाइप फिटर, सैलरी 1500 सऊदी रियाल, स्ट्रक्चर फैब्रिकेटर, सैलरी 1800 सऊदी रियाल, कंडक्ट फिटर, सैलरी 1500 सऊदी रियाल, स्ट्रक्चर फिटर 1500 सऊदी रियाल, रिगर 3 नंबर अरामको अप्रूवेड वाले, सैलरी 1800 सऊदी रियाल। हैवी इक्विपमेंट मैकेनिक रिक्वायरमेंट है, जिसको डीजल और हाइड्रोलिक एक्सपीरियंस होना चाहिए, सैलरी रहेगा 2000 सऊदी रियाल। ब्लास्टर पेंटर,
सैलरी 1700 सऊदी रियाल, बूम ट्रक ऑपरेटर, एक्सवेटर ऑपरेटर, व्हील लोडर ऑपरेटर, बुलडोजर ऑपरेटर, बैकऑफ ऑपरेटर, इन सभी ऑपरेटर का जो सैलरी है 1600 सऊदी रियाल से 2200 सऊदी रियाल तक रहेगा। पर अप्लाई करने के लिए किसी भी जीसीसी कंट्री का, किसी भी गल्फ कंट्री का लाइसेंस होना ज़रूरी है, तो अप्लाई कर सकते हैं। वेल्डिंग इंस्पेक्टर, पेंटिंग इंस्पेक्टर, कोटिंग इंस्पेक्टर, ब्लास्टिंग इंस्पेक्टर, मैकेनिकल इंस्पेक्टर, पाइपिंग इंस्पेक्टर, इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर, इंस्ट्रूमेंट इंस्पेक्टर, ये सभी रिक्वायरमेंट सऊदी अरब के लिए है, गल्फ कंसोलिडेटेड कॉन्ट्रैक्टर के लिए। इसका इंटरव्यू आज 19 सितंबर को हो रहा है ट्रांस कॉन्टिनेंटल ट्रेड ऑफिस में। नेक्स्ट वैकेंसी दुबई के लिए है, फायर फाइटिंग कंपनी के लिए। इसका क्लाइंट इंटरव्यू 22 सितंबर को होगा। ये SS टूर एंड ट्रेवल्स ऑफिस से रिक्वायरमेंट है। एक्स्ट्रा लो वोल्टेज प्रोजेक्ट इंजीनियर, एक्स्ट्रा लो वोल्टेज मेंटेनेंस इंजीनियर, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट इंजीनियर, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम मेंटेनेंस इंजीनियर, IT नेटवर्क सपोर्ट इंजीनियर, एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रल बैटरी सिस्टम एंड बी इमरजेंसी एग्जिट के लिए, लाइट टेक्नीशियन, एक्स्ट्रा लो वोल्टेज टेक्नीशियन, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिक मोटर टेक्नीशियन, डीजल इंजन मैकेनिक, पाइप फिटर फायर फाइटिंग के लिए, HDPE वेल्डर, फायर अलार्म टेक्नीशियन, ऑफिस बॉय, फायर अलार्म टेक्नीशियन, फायर पंप टेक्नीशियन, ये सभी रिक्वायरमेंट फायर फाइटिंग कंपनी के लिए जो दुबई में है। इसका क्लाइंट इंटरव्यू 22 सितंबर को SS टूर ट्रेवल्स ऑफिस में होगा। नेक्स्ट वैकेंसी यूनाइटेड अरब इमीरात के लिए है, जिसका इंटरव्यू 20 सितंबर से लेकर 25 सितंबर को मुंबई में होगा। इसमें जो वैकेंसी है, फर्नीचर कारपेंटर, एल्युमिनियम फैब्रिकेटर, वुड पॉलिशर, स्प्रे पेंटर, मेटल वेल्डर, ज्वाइनरी कारपेंटरी असिस्टेंट फॉरमैन, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस मैकेनिक, इन सभी को जो है 1500 से 1800 दरहम तक सैलरी मिलेगा और सभी बेनिफिट मिलेगा। अप्लाई करने के लिए आपको कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और यूनाइटेड अरब इमीरात के लिए बाइक वर्कशॉप के लिए रिक्वायरमेंट है, मोटरसाइकिल बाइक मैकेनिक के लिए सुपरवाइज़र और मोटरसाइकिल बाइक मैकेनिक की रिक्वायरमेंट है। इसमें जो बाइकें होंगी होंडा हीरो बजाज यामाहा TVS और भी ऐसे जो इंडियन बाइकें होती है सेम वही बाइकें होंगी। शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट के लिए यूनाइटेड अरब में रिक्वायरमेंट है इरिगेशन पाइपिंग फॉरमैन, सैलरी 3300 अमेरिकन डॉलर, इरिगेशन प्लम्बर चाहिए और फाइव फिटर, इनको सैलरी रहेगा 2125 अमेरिकन डॉलर। इनको अप्लाई करने के लिए कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये रिक्वायरमेंट FG वाला ऑफिस से, इसका इंटरव्यू 20 सितंबर से 25 सितंबर तक चलेगा मुंबई में। नेक्स्ट वैकेंसी सऊदी अरब के लिए है लॉजिस्टिक एंड टेच सर्विस कंपनी के लिए। इसमें जो वैकेंसी है, फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर चाहिए जो इंग्लिश का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वेयर हाउस ऑपरेशन स्टाफ की रिक्वायरमेंट है जिसे फोर्कलिफ्ट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसका फ्लाइट के लिए आपको दुबई से लेकर जाया जाएगा और क्वारंटीन सब क्वारंटीन का जो खर्चा है कंपनी पे करेगी। यह वैकेंसी इंटरनेशनल मैनेजमेंट सर्विस ऑफिस से है सऊदी अरब के लिए। नेक्स्ट वैकेंसी कतर के लिए है अल वकील इंटरनेशनल ऑफिस से, फ्री रिक्वायरमेंट है, कोई सर्विस चार्ज नहीं है। इसमें जो वैकेंसी है वह हैवी ड्यूटी ड्राइवर, जिसके पास कतर का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, बस और मीडियम का रिगर और हेल्पर की रिक्वायरमेंट है। इनको अप्लाई करने के लिए आपको ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी यूनाइटेड अरब इमीरात के लिए मेंटेनेंस डिवीजन के लिए ई ट्रस्ट ऑफिस से रिक्वायरमेंट है। इसका क्लाइंट इंटरव्यू 22 सितंबर को होगा ई ट्रस्ट ऑफिस में। इसमें जो वैकेंसी है मैकेनिकल इंजीनियर, सैलरी 7000 दरहम, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सैलरी 5000 दरहम, मैकेनिकल सुपरवाइज़र सैलरी 2500 दरहम, सीनियर इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन सैलरी 2600 दरहम, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन सैलरी 1800 दरहम, सीनियर HVAC टेक्नीशियन सैलरी 2600 दरहम, HVAC टेक्नीशियन सैलरी 1800 दरहम, सीनियर इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन सैलरी 2600 दरहम, सीनियर इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन सैलरी 2600 दरहम, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन
सैलरी 1800 दिरहम, BMS ऑपरेटर सैलरी 1800 दिरहम, एलिवेटर लिफ्ट टेक्नीशियन, मैकेनिकल टेक्नीशियन, लॉन्ड्री एंड किचन टेक्नीशियन, CFM ऑपरेटर, फायर फाइटिंग टेक्नीशियन, इन सभी का सैलरी 1800 दिरहम सैलरी। मैकेनिकल ड्राफ्टमैन सैलरी 1600 दिरहम, पाइपिंग एंड प्लम्बिंग टेक्नीशियन सैलरी 1400 दिरहम। इन सभी को अप्लाई करने के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन ITI डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए और इंग्लिश में बोलने आना चाहिए गल्फ़ का एक्सपीरियंस के साथ, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको इस कंपनी से ओवर टाइम एकोमोडेशन ट्रांसपोर्ट सब कंपनी की तरफ से है। इसका 22 सितंबर को ई ट्रस्ट ऑफिस में इंटरव्यू है। नेक्स्ट वैकेंसी कुवैत के लिए है, एम घी वाला ग्लोबल ऑफिस से। इसका क्लाइंट इंटरव्यू कोलकाता में 21 और 22 सितंबर को होगा और मुंबई में 23 सितंबर को। इसमें जो वैकेंसी है, वेटर्स, बरिस्ता, पेस्ट्री कुक, केक डेकोरेटर, बेकरी कॉमी, किचन हेल्पर, लाइन कुक चाहिए इंटरनेशनल क्यूजिन के लिए, और असिस्टेंट केक डेकोरेटर, डेमी चीफ डी क्यूजिन चाहिए इंटरनेशनल क्यूजिन। इन सभी को अप्लाई करने के लिए सेम फील्ड से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और इंग्लिश में बात करने आना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुवैत के लिए जॉब है, हॉस्पिटल कंपनी के लिए एम घी वाला ऑफिस से रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट वैकेंसी सऊदी अरब और रसिया के लिए वैकेंसी है, इंडोमान ऑफिस से। सऊदी के लिए जो वैकेंसी है उसमें इनको चाहिए QC इंस्पेक्टर पेंटिंग एंड कोटिंग के लिए, QC इंस्पेक्टर E&I में, QC इंस्पेक्टर इस्टूमेशन के लिए, QC इंस्पेक्टर सिविल के लिए, QC इंस्पेक्टर पाइपिंग के लिए, QC इंस्पेक्टर RTR के लिए, QC इंस्पेक्टर वेल्डिंग और E&I टेक्नीशियन, वेल्डर GTAW प्लस SMAW, CS और SS में, E&I फिटर। इन सभी को अप्लाई करने के लिए आरामको सर्टिफाइड होना चाहिए और एक्सपीरियंस, या तो आपके पास आरामको का एक्सपीरियंस होना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जो रसिया के लिए जॉब है, इसका फाइनल सिलेक्शन 20 और 21 और 22 सितंबर को होगा। इसमें जो वैकेंसी है, टैंक वेल्डर की रिक्वायरमेंट है, प्लेट और पाइपिंग CS SS में। ये जॉब इंडोमान मैनेजमेंट ऑफिस से है रसिया के लिए। नेक्स्ट वैकेंसी सऊदी अरब के लिए हदीद प्रोजेक्ट के लिए है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट के लिए। हदीद प्रोजेक्ट के लिए जो है, इसका फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू मुंबई में 19 और 20 सितंबर को, जमशेदपुर में 8 और 9 अक्टूबर, कोलकाता में 11 अक्टूबर, कोचिन में 13 अक्टूबर को होगा। और इसमें जो वैकेंसी है, कास्टिंग स्टैंडर्ड ऑपरेटर, लेडल टेक्नीशियन, स्लैब कास्टर स्टैंडर्ड ऑपरेटर, मैकेनिकल टेक्नीशियन, कोल्ड रिवर्सिंग मिल ऑपरेटर, टेम्पर मिल ऑपरेटर, इंडस्ट्रियल वर्कशॉप मैकेनिस्ट, पुश पिकलिंग लाइन एसिड रिजनरेशन प्लांट ऑपरेटर, कंटिन्यूस ग्लोवनाइजिंग लाइन ऑपरेटर, डिस्चार्ज स्टील कास्टिंग ऑपरेटर। इनको अप्लाई करने के लिए सेम फील्ड से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए गल्फ का, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो सऊदी में इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट के लिए चाहिए, मेंटेनेंस टेक्नीशियन, मिल राइट मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में, इंस्टॉलेटर की रिक्वायरमेंट है। यह रिक्वायरमेंट एम घी वाला ग्लोबल ऑफिस से सऊदी अरब के लिए है। नेक्स्ट वैकेंसी सऊदी अरब के लिए है, अरबिक रेस्टोरेंट के लिए इंटरनेशनल मैनेजमेंट सर्विस ऑफिस से रिक्वायरमेंट है। इसका फ्लाइट दुबई से लेकर के जाएंगे। इसका पैकेज जो भी खर्चा आएगा सब कंपनी देगी। इसमें जो वैकेंसी है, अरबिक चीफ, वेटर, अरबिक कुक और बचर की रिक्वायरमेंट है। सऊदी अरब के लिए जॉब है इंटरनेशनल मैनेजमेंट सर्विस से। नेक्स्ट वैकेंसी कतर के लिए है, शट डाउन जॉब है, फ्री रिक्वायरमेंट है। इसमें जो वैकेंसी है, मैकेनिकल फिटर, 4 साल के एक्सपीरियंस के साथ, सैलरी 1400 कतरी रियाल। ड्राइवर और ऑपरेटर इनको चाहिए जिनके पास कतर का वैलिड एक्सपायर लाइसेंस होना चाहिए। ड्राइवर में इनको चाहिए लाइट ड्राइवर, 2 टन की गाड़ी है, 1800 कतरी रियाल सैलरी के साथ। हैवी ड्राइवर चाहिए बस और बूम ट्रक और फ्लैट बेड के लिए। ट्रेलर ड्राइवर, डीजल टैंकर ड्राइवर, वाटर टैंकर ड्राइवर, इन सबको सैलरी रहेगा 2000 कतरी रियाल। फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर चाहिए, सैलरी 2000 से लेकर के 2300 कतरी रियाल।
फोर्कलिफ्ट फोर्कलिफ्ट इनको चलाना है 3 टन 5 टन और 7 टन। यह आपको फोर्कलिफ्ट के हिसाब से सैलरी एडजस्ट किया जाएगा। यह वैकेंसी ब्राइट इंटरनेशनल ऑफिस से रिक्वायरमेंट है, कतर के लिए फ्री रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट वैकेंसी कतर के लिए शट डाउन प्रोजेक्ट के लिए फ्री रिक्वायरमेंट है। इसका शॉर्ट लिस्टिंग चल रहा है सीला कंसुलेंट ऑफिस में। इसमें जो वैकेंसी है लीड वर्कर की रिक्वायरमेंट है, सैलरी 2500 कतरी रियाल। इसको अप्लाई करने के लिए आपके पास डिप्लोमा डिग्री मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए और 2 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं सीला कंसुलेंट ऑफिस में। वैकेंसी अबू धाबी के लिए शट डाउन जॉब है। इसका क्लाइंट इंटरव्यू मुंबई, चेन्नई और बड़ोदरा में होगा। इसमें जो वैकेंसी है यूनिट इंचार्ज, साइट इंजीनियर, एरिया इंजीनियर, क्यूसी इंजीनियर, क्यूसी इंस्पेक्टर, सुपरवाइजर चाहिए रिगिंग मैकेनिकल वॉल पाइपिंग के लिए, सेफ्टी ऑफिसर, फायर वॉच, होल वॉच, स्टोर सुपरवाइजर, स्टोर कीपर, मैकेनिकल फोरमैन, डीजल मैकेनिक, पाइप फैब्रिकेटर, एशियन वॉल एंड ईआई के लिए, रिगर टीपीआई कार्ड के साथ, ड्राइवर चाहिए हेवी और लाइट, जिसके पास वैलिड यूनाइटेड अरब इमारत का लाइसेंस होना चाहिए, मैकेनिकल फिटर और जनरल फिटर। ये सभी रिक्वायरमेंट शट डाउन जॉब के लिए है अबू धाबी के लिए। इसका इंटरव्यू मुंबई, चेन्नई, बड़ोदरा में ब्राइट इंटरनेशनल में होगा। नेक्स्ट वैकेंसी ओमान के लिए है, जैन पोल्ट्री फार्म के लिए ओम साइट रॉयल्स ऑफिस से रिक्वायरमेंट है। इसमें जो वैकेंसी है असिस्टेंट बॉयलर फार्म मैनेजर, फार्म वेटरनरी हेड हेल्थ के लिए, इनको कम से कम 10 साल का बॉयलर फार्म का एक्सपीरियंस होना चाहिए, असिस्टेंट हिटेचरी मैनेजर, क्यूए क्यूसी सुपरवाइजर, किचन सुपरवाइजर, स्टोर कीपर, लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेटर, मेंटेनेंस टेक्नीशियन, आरओ प्लांट ऑपरेटर और पोल्ट्री हेल्पर। इन सभी को अप्लाई करने के लिए सेम फील्ड से एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन आईटीआई डिप्लोमा होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई करें, ओम साई ट्रेवल्स ऑफिस में रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट वैकेंसी दुबई के लिए है। इसका शॉर्ट लिस्टिंग चल रहा है स्काइप पे। इसका क्लाइंट इंटरव्यू 21 सितंबर को होगा। इसमें जो वैकेंसी है टेलीकॉलर की रिक्वायरमेंट है, सैलरी आपको 2000 दिरहम मिलेगा। इसको अप्लाई करने के लिए आपको बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, कम से कम 2 से 3 साल का, और इंग्लिश आपको बोलने अच्छा से आना चाहिए। एज लिमिट जो है आपका 45 से कम होना चाहिए। यह वैकेंसी एम्पेरियल ऑफिस से रिक्वायरमेंट है। इसको एम्पेरियल ऑफिस से रिक्वायरमेंट है दुबई के लिए। नेक्स्ट वैकेंसी यूनाइटेड अरब इमारत के लिए है, लिब्रा इंटरनेशनल सर्विस ऑफिस से रिक्वायरमेंट है। इसका क्लाइंट इंटरव्यू 20 और 21 सितंबर को होगा अनुपटेक में। इसमें जो वैकेंसी है टेक्नीशियन चाहिए इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में, जिसको क्वालिफिकेशन आईटीआई या डिप्लोमा होना चाहिए, कंट्रोल टेक्नीशियन, फायर एंड गैस सिस्टम के एक्सपीरियंस के साथ, स्टोर कीपर, टेक्निकल क्लर्क, 6G GTAW SMAW वेल्डर चाहिए जिसके पास वेल्डिंग का कार्ड होना चाहिए, रनिंग कार्ड, फैब्रिकेटर स्ट्रक्चरल एंड पाइप के लिए, लाइट ड्राइवर वैलिड लाइसेंस के साथ, प्लम्बर बस ड्राइवर ऑनशोर के लिए चाहिए वैलिड लाइसेंस के साथ। इन सभी को अप्लाई करने के लिए कम से कम 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 12 घंटा आपका ड्यूटी होगा इसमें। लिब्रा इंटरनेशनल सर्विस ऑफिस से रिक्वायरमेंट है यूनाइटेड अरब अमीरात के लिए। नेक्स्ट वैकेंसी कतर और सऊदी अरब के लिए है, बेटा कंसल्टेंसी ऑफिस से। कतर के लिए जो है लॉन्ग टर्म जॉब है ऑयल एंड गैस पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट के लिए। इसमें जो वैकेंसी है HSC ट्रेनर, जिसके पास क्वालिफिकेशन निम्बूस और उन ट्रेनर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, इन्वायरमेंट ऑफिसर कोऑर्डिनेटर, जिसके पास क्वालिफिकेशन निम्बूस का होना चाहिए, स्प्रे पेंटर, रिगिंग फोरमैन की रिक्वायरमेंट है। और सऊदी अरब के लिए जो चाहिए गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट के लिए है वो, इसमें वैकेंसी है टिग एंड आर्क वेल्डर CS+SS का, सेफ्टी ऑफिसर अरामको अप्रूवेड होने चाहिए, हेवी ड्यूटी मैकेनिक, ऑटो इलेक्ट्रीशियन, ट्रेलर ड्राइवर,
HE ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट है। ये सभी रिक्वायरमेंट बेटा कंसल्टेंसी ऑफिस से है। नेक्स्ट वैकेंसी ओमान और दुबई के लिए पायोनियर ट्रॉल्स ऑफिस से रिक्वायरमेंट है। ओमान के लिए जो है वो ऑयल एंड गैस मेंटेनेंस प्रोजेक्ट के लिए चाहिए। ऑटोमेशन इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ। और ट्यूब फिटर चाहिए। पैनल वायरिंग इलेक्ट्रीशियन की रिक्वायरमेंट है। दुबई के लिए जो वैकेंसी है कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के लिए चाहिए इनको हैवी ड्यूटी इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन। इनको कम से कम 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। हाइड्रोलिक टेक्नीशियन चाहिए 4 साल के एक्सपीरियंस के साथ, जो ट्रबल शूटिंग और रिपेयरिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए ओवरऑलिंग हाइड्रोलिक में। डीजल इंजन मैकेनिक 4 साल के एक्सपीरियंस के साथ, डीजल इंजन का ओवरऑलिंग और रिपेयरिंग इनको आना चाहिए ट्रांसमिशन वगैरह। HVAC टेक्नीशियन ITI या डिप्लोमा होना चाहिए क्वालिफिकेशन और 5 साल का कम से कम एक्सपीरियंस। मल्टी स्किल टेक्नीशियन चाहिए सिविल के लिए 5 साल का एक्सपीरियंस के साथ बिल्डिंग मेंटेनेंस में और पेंटिंग कारपेंट्री मशीनरी में। अगर आपके पास ये एक्सपीरियंस है तो आप इसे इसके लिए पायोनियर ट्रेवल्स ऑफिस में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओमान और दुबई के लिए जॉब है जो, तो ये कुछ जॉब थे जो अर्जेंट रिक्वायरमेंट है और आजकल में अप्लाई करने के लिए। आने वाले दिनों के लिए और भी बहुत सारी जॉब है वो भी आपको 1-2 दिन में मिल जाएंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपको अप्लाई करने में कोई परेशानी होती है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए थैंक यू।